तीन महीने से ही अफवाह चल रही है इसके तीन वजह महीने से हाँ तो इसके वजह से पार्टी आना बंद कर दिया है। पहले तो बहुत आता था कि यहाँ पे 5 मिनट के लिए इधर उधर जाओ तो कस्टमर आता ही था, अच्छा मगर अभी तो दहशत के मारे आ ही नहीं रहा है भाई। कंपनी से गलत न्यूज़ लेबर के सारे चले गए, चले गए। हाँ और जब कंपनी में लेबर ही नहीं लेबर नहीं रहेगा तो माल रहेगा, कैसे निकलेगा, और जब माल नहीं निकलेगा तो मार्केट में माल कैसे आएगा। आउटपुट कम हो गया, वही आउटपुट कम हो गया भाई, लेबर की कमी हो गई, माल निकलना बंद हो गया। लेबर सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं इधर काम करने वाले, ज्यादातर यूपी बिहार हिंदी बोलने झारखंड। वाले, हाँ अगर ये सब भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत बहुत दिक्कत दिक्कत हो हो जाएगी जाएगी। यहाँ पे समझ लो कि जितने भी तमिल वाले लोग हैं हाँ ये कर भी ना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बगैर यूपी के और बिहार के, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ की भी पब्लिक यहाँ पे है वही ज़्यादा काम करती है। यहाँ पे 15 साल 15 साल। तिरुपुर में हाँ कभी किसी तमिल वाले ने हाथ नहीं लगाया और हाँ न मारा। मिल के रहते हैं सब लोग, हाँ मिल ही के रहते हैं, जब भी तो इतने दिन से यहाँ पे रह रहे, नहीं तो 15 साल कौन रहता तिरुपुर में। लड़ाई झगड़ा होता तो आदमी तो तुरंत चला ही जाता। हम तो 10 साल से कर रहे हैं इधर, आना जाना कर ही रहे आसाम से, गुवाहाटी से हम आता है। गुवाहाटी से आते हैं 10 साल से, 10 साल से हिंदी बोलते हैं, तमिल नहीं बोलते? नहीं नहीं हमको तमिल आता ही नहीं, खाली हिंदी बोलता है। 10 साल से हिंदी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तिरुपुर के तिरुमलई नगर में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर एक बिहारी का हत्या हो गया था, और उसके बाद ये अफवाह फैला कि तमिल के लोगों ने हिंदी बोलने वालों की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने उस खबर को झूठा बताया और बताया कि उसकी हत्या झारखंड के एक व्यक्ति ने कर दिया था। और यहाँ अभी देखिए कि पूरा एक इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे कपड़े उपड़े का व्यापारी लोग जो है ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और अभी भी अपना दुकान चला रहे हैं। कब से आप यहाँ पे हैं? हम हो गए करीब आज 1 महीने से यहीं पे हैं। दुकान कब से है ये? किसकी दुकान है? ये तो मेरे दोस्त की दुकान है। हिंदी वाले हैं वो? हाँ हिंदी वाले। तमिल जहाँ पे हत्या हुआ, मेन स्पॉट पे आप लोग हैं, और अफवाह फैला कि यहाँ पे जो भी हिंदी बोलता है उसको मारा पीटा जा रहा है, तो आप लोगों के साथ तो भी कुछ हुआ ऐसा? नहीं हम लोग के साथ नहीं हुआ ऐसा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सेफ हैं आप लोग बिल्कुल? ये जो खबरें हम चली लोग घूम व्हाट्सएप रहे हैं, मार्केट में टहल रहे हैं, सब से मिल रहे हैं, सब पुराने जान पहचान के लोग हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो या देखा हो। खाली वही मोबाइल में ही लोगों को बता रहे हैं, अभी उसी को देख के समझ रहे हैं क्या करें। जिस दिन हत्या हुआ उसके बाद से सब चीज़ नॉर्मल है, कहीं कुछ हुआ नहीं इधर? नहीं नहीं नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो फैलाया गया, दिखाया गया कि एक बिहारी को तमिल के लोगों ने मार दिया, ये गलत था? हाँ गलत तो है ही है। आपके साथ कभी किसी तमिल वाले ने मारपीट किया, गाली? नहीं कभी नहीं किया। हमारे साथ आज हम हो गए 15 साल 15 साल तिरुपुर में। हाँ कभी किसी तमिल वाले ने हाथ नहीं लगाया और न मारा। मिल के रहते हैं सब लोग? हाँ मिल ही के रहते हैं, जब भी तो इतने दिन से यहाँ पे रह रहे, नहीं तो 15 साल कौन रहता तिरुपुर में। लड़ाई झगड़ा होता तो आदमी तो तुरंत चला ही जाता। हिंदी आता है? हाँ आता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लतीफ। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात। गुजरात के? जी जी। कब से हैं यहाँ पे? अभी 1 हफ्ता हुआ है हमको इधर। तो 1 हफ्ता हुआ तो कभी डर लगा कि कुछ मामला जो हो रहा है हिंदी कुछ नहीं है? ऐसा कुछ हिंदी बोलते हैं इधर की? तमिल आता है? नहीं हमें हिंदी आता है। तमिल नहीं आता है? तमिल नहीं आता है। तो जाके तमिल के लोगों से हिंदी में बोलते हैं तो वो लोग गाली देते हैं, मारते पीटते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो खबर चल रहा है कि जो लोग भी तमिल बोलते हैं सब अफवाह, हिंदी बोलते हैं तमिल? ये सब अफवाह है भाई, कुछ नहीं इधर। हम लोग मेन स्पॉट पे है जहाँ पे घटना हुई थी, यहाँ भी दिक्कत नहीं है? नहीं कुछ नहीं है, हम लोग सब बिंदास घूमते इधर, कुछ नहीं है भाई। काम करना है, पैसा खाना पीना है, सोना है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। हिंदी आता है आपको? कहाँ घर हुआ? कहाँ घर है? मुंबई। मुंबई कुछ कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इधर आने नहीं में? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तमिल के लोग परेशान करते हैं हिंदी बोलने वाले को? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब मिलकर रहते हैं सब। तो तिरुपुर के उस जगह पर हम हैं जहाँ पे देखिए ये कपड़ा का होलसेल का दुकान है, टी शर्ट बनता है, अन्य तरीके के कपड़े जो गर्मी में यूज होते हैं वो सारे हल्के कपड़े, इधर पैंट वगैरह सब बन रहा है। ये होलसेल का दुकान है, यहाँ से कहाँ कहाँ आप लोग सामान भेजते हैं जो होलसेल में कपड़ा बना रहे हैं? हर जगह जाता है, दिल्ली जाता है, बम्बई जाता है, यूपी जाता है, बनारस जाता है, बिहार में पटना वगैरह भी जाता है, झारखंड भी पुणे में लगभग जाता है। देखो ये आसाम का भाई है हमारा, ये भी साथ में हम लोगों के रहता है। यहाँ पे अभी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है जो आपको हम बताएं या हमने देखा हो, खाली सुन रहे हैं लोगों से, देखा नहीं है। और लोग 15 साल से आप हैं, आपने कभी नहीं देखा कुछ? नहीं 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 लड़ाई झगड़ा तो कभी हुआ ही नहीं तमिल आसाम से है। हाँ ये आसाम से हैं इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद अली है। अमजद भाई ये बताइए कि इधर क्या दिक्कत है अब हिंदी बोलने वाले को? कुछ दिक्कत नहीं है। खबर चल रही है कि जो हिंदी बोलता है उसको मारा पीटा जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है? वो बेकार बोल रहा है, कुछ नहीं हो रहा इधर। तो अभी दो दिन कुछ दिन पहले इधर हत्या एक हो गया था पिछले महीने। अच्छा उसके बाद बोला गया कि वो हिंदी बोलता था इसलिए तमिल के लोगों ने मार दिया? नहीं नहीं वैसा कोई बात नहीं है इधर, ऐसा कोई बात नहीं।
कब से हैं यहाँ पर आप? हम तो 10 साल से कर रहे हैं इधर, आना जाना कर ही रहे आसाम से, गुवाहाटी से हम आता है। गुवाहाटी से आते हैं 10 साल से? 10 साल से। हिंदी बोलते हैं, तमिल नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं, हमको तमिल आता ही नहीं, खाली हिंदी बोलता है। 10 साल से हिंदी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हिंदी बोलने पर मार दिया जा रहा है, बेकार का है। बेकार है, बेकार है, बेकार। कैसा चल रहा है बिजनेस आप लोग? अभी बिजनेस थोड़ा खराब चल रहा है इधर। क्यों? डल चल रहा है कंपनी, डल चल रहा है। जब बिहार के जो वर्कर्स थे भाग गए हैं अभी 3 महीने से, ये अफवाह चल रही है इसके वजह। हाँ, तो इसके वजह से पार्टी आना बंद कर दिया है। पहले तो बहुत आता था कि यहाँ पे 5 मिनट के लिए इधर उधर जाओ तो कस्टमर आता ही था। अच्छा। मगर अभी तो दहशत के मारे आ ही नहीं रहा है भाई, कंपनी से लेबर सारे चले गए। और जब कंपनी में लेबर ही नहीं रहेगा तो माल कैसे निकलेगा? और जब माल नहीं निकलेगा तो मार्केट में माल कैसे आएगा? वही आउटपुट कम हो गया भाई, लेबर की कमी हो गई, माल निकलना बंद हो गया। लेबर सबसे ज्यादा कहाँ कराते हैं इधर काम करने वाले? ज्यादातर यूपी बिहार, हिंदी बोलने वाले। हाँ, अगर ये सब भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे समझ लो कि जितने भी तमिल वाले लोग हैं, हाँ, ये कर भी ना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बगैर यूपी के और बिहार के, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जहाँ जहाँ की भी पब्लिक यहाँ पे है वही ज्यादा काम करती है यहाँ पे। ठीक, तो अभी हम उस जगह पर हैं, उस इलाके में हैं जहाँ पर एक हिंदी बोलने वाले की हत्या हो गई थी। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि उसकी हत्या खुद हिंदी बोलने वाले ने किया, तमिल वालों ने नहीं किया। और अभी भी देख सकते हैं कि इस दुकान में जितने भी लोग हैं सब हिंदी बोलने वाले हैं। और पीछे में ही वो जगह है जहाँ पे बीएम कॉम्प्लेक्स में उस पवन यादव की हत्या हो गई थी, जो कि जमुई जिले का है, बिहार का। तो इस खबर में यही आया कि जो हत्या हुई एक हिंदी वाले ने ही, जो झारखंड का था, जो पवन यादव बिहार का है, उसका हत्या वो लोग आपस में ही किए थे, तमिल के लोगों ने नहीं किया था। यहाँ पे सभी लोग मिलजुल करके हैं, यहाँ पे तमिल के लोग हैं, हिंदी के लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और इनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है इस गलत न्यूज़ के कारण, जो अफवाह फैलाया गया कि इनका बिजनेस जो है डाउन हो गया। और इसका एक और कारण ये बताया कि जितने भी वर्कर्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जो हिंदी बोलने वाले हैं, वो ज़्यादातर पलायन कर गए यहाँ से। उसकी वजह से इनकी बिजनेस आउटपुट कम हो गई फैक्ट्री में, तो कस्टमर कम आ रहे हैं, इनकी सेल डाउन चल रही है, सब हुआ है अफवाह न्यूज़ के कारण। तो हम पहुँचे हैं जहाँ पर घटना हुई थी, रियल जगह पे, रियल पैलेस पे, पीछे में बीएम कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर हत्या हुई थी। हमने वहाँ भी आपको खबरें पहले आप देखे होंगे कि क्या हकीकत था, रूम मालिक ने खुद बताया। अभी ये खबर दिखला रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल के हैं, समान स्थिति है, लेकिन डर की वजह से बिहारी मजदूर और हिंदी बोलने वाले मजदूर चले गए, जिसकी वजह से इनकी बिजनेस डाउन हुई है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देख रहे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।